समस्त गुरु भाई और मां मोर सत्सद जय गुरु प्रणाम आमर गोटे गीत अच्छी कि से जनमे मनर पासरा सते मनर पासरा से गोटे पद अच्छी हकत डाकरा पाई आसीछ मरते साई मने हुए ए जगते तुम रखे पर ना तत्व ज्ञान जोग रखी तुम्हे साधन पसरा भक्तर डाकरा पाइक जगत को से आसी समस्त मु गत संघ रे संपर्क आलोचना करथिली से केवल भक्त ठाकुर नुह भूतंकर भी ठाकुर ए संपर्क आज मु कहिबी केमिति भूतंकर ठाकुर जो माने तांको जानी नाहंती देह रक्षा करिचंती तांकर जागतिक आकर्षण पई भूत होइचंती किंतु कष्ट पाउचंती ठाकुर से कृपा कर उद्धार कर मन पड़े हरप्रसाद राय बगुड़ार विशिष्ट भक्त कही माइ ठाकुर इज व्हाट नॉट सतरे आम परम भाग्यवान पाइचु भूत मान कमी उद्धार कर संपर्क में कह ठाकुर गोटे बाणी ए भूत संपर्क में नीलाचल कूटे ईश्वर भाई प्रश्न उत्तर ठाकुर कहते पढ़ी दौर भूत भय विषय श्री ठाकुर उत्कल मंत्र शिष्य ईश्वर साहू भाई पचार ठाकुर कहले तू दीक्षित रेतात्मा तो निकट को आसीपर ना जदि एकाकी रात्र गला बेले कौन स्थान में भय जात हुए तेज जय गुरु उच्चारण करय आ कि प्रेत किसी कर सदगुरु शिष्य निकट को प्रेतात्मा आसी नपे प्रेतात्मा देखादेव तो दे भय कौन देखे पचार मो मां का संतान तू मां का चाकर मो निकट को तोर आसबार प्रयोजन कौन ए प्रश्न कले से रही पार ना भूत प्रेतादी शक्ति चाकर बोली परिचित सुतरां तुम ठार खूब निम्न स्थान तुम मैंने शक्ति संतान तुम अधिकार तुम तुम्हें बुझीपारे प्रेत तुम पाखक माड़ पार ना से दिगरे तुम भय कर किसी ना एक ठाकुर कही नीलाचल बांडे अच्छी विशेषकर भूत भय टा समस्त भितर आम अच्छी ठाकुर से भूत भय को विदूरित करने जय गुरु मंत्र जप कर समस्त समस्त संपर्क निजर अनुभूति थी ए संपर्क अधिक किसी कहूनी केवल गोटे कथा कहूँ केमी ठाकुर परलोक आत्म को आनयन करूतग्रस्त व प्रेतात्मा को गतिपथ को पुणी मान रुद्ध गतिपथ को ऊर्ध पथ उन्नीत कर संपर्क मुझे केतक कथार अवतारणा करी कहीं ठाकुर जीवन में बहुत घटना घटी ठाकुर जो ईश्वरधर महाजन घर को जाते संदीप रु आसिक हटात से कहले जी आज चट्टग्राम प्रसन्नदास सुखिल को टेलीग्राम करदे आम बाड़ी संगे संगे पहुंचुच्छी आज के ही पहुंचुच्छी संदीप रु चट्टग्राम आसिले कहीं ईश्वरधर महाजन ठाकुर आसन पाखे पड़ी सेवा करू करू ध्यान बस मध्यान क्रिया कर समय पड़ी पटर फेण बाहरी जाता घर को ठाकुर आसवाई ही व्यवस्था करते ठाकुर आसिले घर को आसिले केमती आसिले एक आगु आलोचना करवल गोटे कथा कही रखुच्छी ठाकुर जो जीवन्यास देकर फेरी गले प्रसन्नदास शुक्ल घर को ठाकुर प्रसन्नदास को पचारे कहले अरे घरे किए भितर के मरीचि कि ना हाँ ठाकुर ता भौणी मरीचि ना कुंचित केसा कृष्ण वर्णा मत आसिक देखा देला कहला ठाकुर मु बहुत बहुत कष्ट मत उद्धार कर दिं तेना भूत प्रेत जोनी मान आसिक ठाकुर को देखा दौले उद्धार करने को कहते ठाकुर उद्धार कर ठाकुर राजफुल पड़िया मसे रोते कौटी राजफुल बाड़िया हूँ महादेवपुर हूँ घर आम डाक्तर नृपेन्द्र राय शशुर घर राजफुल बाड़िया राजफुल बाड़िया मसे रही थे ठाकुर सेठी केतक घटना घटी तत्सपर्क कौच धलेश्वरी नई गोटे अच्छी से गांटा ना हूँ फुलवाड़िया किंतु जेहेतु भावल स्टेट राजा कचेरी थी तो राजफुल बाड़िया कह से धलेश्वरी नई तीर में ठाकुर बुलवाक जाती बेले बेले एकुटिया जाती बेले बेले अन्य मान को सांगे नहीं जाती थर से एकुटिया जाऊंट से देखिले गोटे शूल रोगी सूक्ष्म देही शूल रोग मरीची
सूक्ष्म देही इत्ते कष्ट पाउची से सूक्ष्म जगत रे भी तार से संस्कार बसरे से कष्टटारे इत्ते क्रियाशील थिला सेटा धीरे धीरे से सूक्ष्म देही रोग जंत्रण रे धळस्तर नैतर रे गोटे वृक्ष रे ता छाती की चापी धरिकी जंत्रण निवारण चेष्टा करूला ठाकुर जोग दृष्टि पड़गले से जोग दृष्टि पड़ा फल ठाकुर दुर्दशा देखिकी करुणार संचार है से ताकि से जंत्रणारु रक्षा कले तार स्थूल जीवन रही संस्कार मुक्त कर दे थे अनेक समय सूक्ष्म देवी मैंने सब महापुरुष मैंने आसिक ठाकुर विभिन्न समय पहुंची प्रश्न करती बहुत प्रश्न समाधान कर ठाकुर थे आमिलाइस ग्राम से बसी थे आलोचना कर सीतादेवी होंगे आमिलाइस ग्राम स्वामी हूँ स्मृति भूषण गोपीनाथ स्मृति भूषण से कहले जहां जो सीतादेवी एवं कहते स्वामी देह रक्षा कलापर मैं से सूक्ष्म देह आसिक मो पाखे ठिया होती संपर्क में किसी कहना तेणु आमर जो जितेबले संघ पूजा होती आम सूक्ष्म देह भाई मैंने आसिक उपस्थित होती दुर्घटना कहते बसव जदि उठिक जीवनी आ संघर संघर उठिक बिना कारण ठाकुर को जनक गले असुविधा ना जदि बिना कारण गले सूक्ष्म जोनी मान जो मैंने था मैंने बसी जाती से जगार तमें आस बसला मान तुम भूतग्रस्त हो गल तेणु आम एक नजर रखा थे काशी गंभीर ठाकुर अवस्थान कर चिठी दे कि नरेश पकड़ा सी और सन्यासी आठ को डक पठेले आउ कि जन शिष्य मैंने सांगे शिष्य भक्त परिवृत्त हो कि मणिकर्णिका घाटे ठाकुर चली बुलूं दीटी शब पड़ा होता से संगी संगी सेवक मान को टे अल्प दूरे रखिकी आगे गले निजे ठाकुर गोटे शब पाख को जाकि बहुत जोर अकथ्य भाषा गाड़ी देवा लगे सला पाप कर भी तो यकम हम ना क्या कहीकि आउ गोटे शब पाख को आगे गला बेलू बहुत आनंद उद्वेलित हो जाता ठाकुर इमाने लक्ष्य कर ठाकुर एमती गोटे शब पाख को जाकि कौन हूँ आउ गोटे शब पाखे जाइ आनंद नृत्य कर मानते उद्वेलित हो ठाकुर टी फेरी आसला बेलू पचारे ठाकुर कौन देखिले कि आपति से शब पाखे मानते गाड़ी दूसरे आउ गोटे शब पाखे एमती हेले ना तोरा कि देखीसनि ना आम कि देखनु ना डर डरबनि तो ना आम डरबुनि आप अच्छा डरबु कौन ताहले मो बामो जान रे हाथ दियो ठाकुर बामो जान रे से माने हाथ दे देखिले गोटे लोक आत्महत्या करिछि जहां पाखरे जाइंकि ठाकुर गाली दउथिले तार आत्माटा से देहरे प्रवेश करे को जो देह को जाली देबा को माने जाली दउछंती बा जाली देबा को बसछंती ता आत्माटा विद्युत बेगरे तार चतुर्दिगरे घूरी बुलुछि एते जोर घूरुछि माने देखिकि आश्चर्य हेले किंतु जाली दिया गला आत्मा को जमदूत मैंने आसिक आत्मा को लेकर टणा उठा कर आर शब को देखिले विष्णुदूत मैंने आसी से जन ठाकुर कहले जन प्रकृत जन आदर्श गृह थी तार तो समय आसला से देह रक्षा कर तेणु आम मैंने केत कौन अवस्था हेले ठाकुर कहते आत्महत्या महापाप आत्महत्यार चिंता करनी धलेश्वर नई तीर से ठाकुर कहले आसिक बुले बुल कहले अरे नूटन तोते राजफुल बाड़िया है भूत प्रेतर अड्डा अनेक ठाकुर कहले नूटन दा कहले कौन हला कि मुझे जाऊली गोटे भूतुणी मत रास्ता अटकेला मुझे तो रास्ता छाड़ दे ना चिमुटारे तो तोते पिटीबी पाखुरु सांगे सांगे दी जन झी सांगे सांगे कहते ठाकुर पिटन तो आमको बहुत कष्ट दौर आम तो ये बंदी होकर साहड़ा गचर अच्छु बहुत कष्ट आपण पिटंतु तांगु साधु बाबा पिट पिट तांगु तीन जन को ठाकुर से प्रेत जन्म रु प्रेत अवस्था मुक्त करिकिरी फेरी थिले से माने तांकर केही नहुंती सती चैतन्य ब्रह्मचारी के थरे ठाकुर को जने शिष्य पचारले शक्तिदा आम घरे केते लोक मरीगले कौन ना गोटे प्रेत आम घर पश्चिम कोण रे थिबा आंब गछरे रहुछि अशरीरी एटा पुष्कर प्रेतटे से कहले शक्ति चैतन्य कहले गोटे काम कर ठाकुर को डाकिले ही केवल एकमात्र संभव मो ना कहिबनि ठाकुर को निमंत्रण कले से अंचल समस्ते इच्छा थिला एकमात्र ठाकुर दिए घरे आसिबे अवस्थान करिबे
ତାହେଲେ ପୁଷ୍କରର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ନିଜେ ଏକଥା କହିଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଫସୋସ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଏକଥାଟା କାହିଁକି କହିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଠାକୁର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଶକ୍ତି ତୁଇ ଏଖାନେ, ହଁ ଠାକୁର ଆମେ ଆସିଛି, ଆମେ ଏଟା ଭୁଲ କରିଛି। କହିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଛି, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ଆମ ଘରେ ଦି ତିନି ଜଣ ମରିଗଲେଣି ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେ ପୁଷ୍କରଟା ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅଛି। ଠାକୁର ସେଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ଘରେ ରହିଲେ ତା ପରଦିନ କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ଟିକେ ମନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପୁଷ୍କରଟାର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଏ ଘର ଉପରେ, ଆଉ କେତେଜଣ ମରି ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଷ୍କରଟାର ଶକ୍ତି ମୁଁ କାଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତମେମାନେ ଯୋଉ ଭିଟାମଟା ଛାଡିକିରି ପଳେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ଯିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ଠାକୁର, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ସପରିକାର ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଡକୁ ହାତ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜି ଆମେ ରହିବା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ଗାଁରେ ତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କାହିଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଅଲଗା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁର କହିଲେ ଆଜି ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠି ଅଛି, ଯୋଉ ଭୂତ କୋଠିରେ ଠାକୁର ଆସ୍ଥାନା ଜମେଇବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏଇ ଗାଁବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ୟା ଭିତରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ମରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯେବେ ରହିଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୟାକରି ରହନ୍ତୁନି। ଠାକୁର କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ରହଣି ହବ ଆଜି, କଣ ସେ ଭୂତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଜାଗା, ଠାକୁର ଯାଇକିରି ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଦିଟି ଘର ପରିଷ୍କାର କରିକିରି ସଙ୍ଗୀ ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ଭୟରେ ଭୟଭୀତ, କିନ୍ତୁ ଭୂତନାଥ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ତାଙ୍କର କିଛି କରିବନି ଏଇ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଯାଇକିରି ଠାକୁର କଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆ ହେଇଛି, ପାଖ ଘରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କବାଟ ଛରକା ପୁରା ବନ୍ଦ, ହୁକା ଦିଆଗଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ହୁକା ନଳ ଖାଇକିରି ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ଯା ତୋଦେର ଭୟ ନେଇ, ତୋଦେର ଯଦି ଭୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜୟଗୁରୁ ଜପ କରିବି। ଏମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହଉନାହାନ୍ତି, ଭୟରେ ସମସ୍ତେ କାତର। ହଠାତ୍ ଯୋଉ କବାଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଖୋଲିଗଲା, ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଭିଲା, ଏମାନେ ଡରିଗଲେ ବହୁତ। ଡରିଲେ କଣ ହବ, ଜୟଗୁରୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟଗୁରୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଜୟଗୁରୁ ଜପ କରିବା ଭିତରେ ବି ଜଣେ ପଶିଗଲେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ, ଠାକୁର ଆସିକି ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କଲେଣି ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ, ଚାରିଆଡେ ବାଡ଼ା ମାନେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡେ କବାଡ଼ ଝରକା ସବୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ତୋଦେରକେ ବୋଲେଇଲାମ, ତୋରା ବସେ ଜୟଗୁରୁ ଜପ କର, ଯଦି ନିଦ୍ରା ଆସଛେ ନା, ଆମର ନିଦ୍ରା ଆମର ଘୁମେ ଆମର ଘୁମଟା ହୋଇଯା। ଶୁଣିଲେନି, ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ଛହ ଭୂତ ଉଠେଇକିରି ନେଇ ପଳେଇଲେ ବାହାରକୁ, ସେମାନେ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜପ କଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝାଡା ଲାଗିଲା, ଝାଡା ଲାଗିଲା, ତ ସେ ଝାଡା ଯିବାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ କହିଲେ ଝାଡା କିଏ ନେଇକିରି ଯିବ ତାକୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାରାଜ ଥିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଝାଡା ହଉନି, ଭୟରେ ଝାଡା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଝାଡା ହଉନି। ଯାହା ହଉ ସେ ପାଣି ଫାଣି ସାରିକିରି ଆସିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପଶିଲେ, ଠାକୁର ଆମକୁ କୃପା କର, ଆମରା ଆର ସାମ୍ନାତେ ପାରଛି ନା। ଠାକୁର ଉଠିକିରି ବସିଲେ ବିଛଣାରେ, ଉଦେରକେ ଡାକ, ଠାକୁର କହିଲେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାରାଜ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଡାକିଲେ, ଏଇ ତୋରା କିଏ କଥା ଏଇରକମ ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ସାହେ ଠାକୁର ଡାକଛନ୍। ଭିତରକୁ ଆସି ମାନେ ଜୟଗୁରୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ତମେମାନେ ପାପ କରିବ ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ତମେମାନେ ଅନେକ ଦିନରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ତେଣୁ ଆଜି ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତମେମାନେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବ ଗଳାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକିରି, ଆମନ ଗୁରୁ କଥା ଖୋଜେ ପାବେ ନା ତୁମେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମାନେ କିଏ ନା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି କୋକେଇ ଧରିକିରି, ଯେ ଯୋଉ ମଲା ଶବ ବାହାର କରିବେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଇଏ କରିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଶରୀରରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ କେବଳ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ କରିବନି, ଏ ଗୋଟେ ଚିଠି ଠାକୁରଙ୍କର ପଢିକିରି ମୁଁ ଇଏ ଶେଷ କରିବି।
आत्महत्या महापाप। इच्छा करी मरिले मध्य अभाव ताड़नरु रक्षा मिले नाही। मले जदि सब जंत्रणा चली जाउथांता तेबे ज्ञानी मात्र के आत्महत्या करुथांते जानी सुनिए रक्त मांसर पचास अड़ा देहरे बसी रहन्ते नाही। ज्ञानी माने जानिछंती जे विधातांक श्रृंखल भांगिले श्रृंखल भांगिले जला जंत्रणा बढ़ीजिव सिना कमिब नाही। कयदी जेल भांगी बाहर हेले तार निस्तार नाही बरं दंड वृद्धि होइथाय। जे जेपरि प्रारब्ध नै आसछि ताकु ता भोग करिबाकु हेबो। कौनसी अवस्था एक विस्मृत हो ना जे संसार निराश हो मरी पारे से भगवान के निमित्त चेष्टा कर मरू ना कहीं वर्ष दुख कष्ट पड़ी मरवार संकल्प मनरे स्थान दियो ना। आत्मा अमर आत्मा सर्वशक्ति मान मरवार क्षमता तार ना। जो मैंने मरती प्रकृत से मरती ना कर्मफल आवरण को बढ़े दिखती मात्र आत्महत्या कर चिंता मनरे स्थान दियो ना। आत्महत्यार कौन दिन उन्नति हम ना बर यही आत्महत्यार चिंता जीव को आहरी नरक पथ को टाणी नब। जीवित थी दारुण दुख कष्ट कृत पापर प्रायश्चित हो पारे किंतु आत्महत्यार से आशा सुंदर पढ़ात। जय गुरु। आज मोर प्रतिवेदन जदि किसी भूल त्रुटि थाए मुख्य क्षमा मागुची। जय।